गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियाशु व्लॉग। और मैं प्रिया आज आप लोगों के लिए कुकिंग वीडियो लेके आई हूँ। मेरे चैनल पे आप लोग आए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए। तो आज आप लोगों के लिए मैं लौकी की सब्जी लाई हूँ। कम तेल मसाले में आप इसको ईजी वे में कैसे कुक कर सकते हो और अच्छे से सर्व कर सकते हो, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लौकी को अच्छे से काट लेंगे छोटा छोटा और धुल के किसी बाउल या डलिया में निकाल लेंगे। उसके बाद एक हम मसाले लेंगे, कसूरी मेथी, नमक, धनिया, राई और जीरा और हींग और चुटकी भर हल्दी। तो सबसे पहले हम कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख देंगे। मैंने सरसों का तेल लिया है, आप घी से भी इसको फ्राई कर सकते हो। तो जब ये तेल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसमें हम जीरा डालेंगे। जीरा डालने के बाद थोड़ी देर उसको भुनने देंगे। उसके बाद हम राई डालेंगे, फिर चुटकी भर जो हमने हींग ली थी वो डाल देंगे। हींग डालने के बाद हम इसको अच्छे से थोड़ा सा चला लेंगे और कलछुल से। इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी हल्दी, भूंजने देंगे हल्दी को। हल्दी के बाद इसमें थोड़ी सी धनिया डालेंगे, फिर हम धनिया डालने के बाद थोड़ा सा इसको चलाएंगे और इसके बाद हम इसमें कसूरी मेथी डालेंगे। कसूरी मेथी से स्वाद अच्छा आ जाता है, आप लोग स्किप भी कर सकते हो। आपको नहीं डालनी है तो आप नहीं भी डाल सकते हो। इसको चला लेंगे अच्छे से, फिर इसको कुछ नहीं करना है, बस आप देखिए कितने कम मसाले और कम तेल में फिर इसमें हम इसमें लौकी पूरी डाल देंगे और इसको अच्छे से चला लेंगे ताकि इसमें ऐसा अच्छे से मसाला मिक्स हो जाए पूरा। जब इसमें मसाला मिक्स हो जाएगा फिर हम इसको अच्छे से ढक कर रख देंगे। पहले आप अच्छे से मसाला मिक्स करिए पूरा। ये देखिए अच्छे से मसाला मिक्स हो गया है। इसमें हम नमक मिलाएंगे, स्वाद अनुसार आप अपने हिसाब से नमक मिला सकते हैं। तो और जब भी लौकी टाइट हो, मैं आपको एक टिप दे रही हूँ, जब भी लौकी टाइट हो तो आप इसमें हल्का सा सोडा डाल दीजिए जैसे मैंने डाला है। तो इससे क्या होता है, लौकी ईजिली पक जाती है और अच्छी तरह पकती है। टाइट लौकी क्योंकि पकती नहीं है। फिर मैंने इसको ढक के रख दिया। इसको थोड़ी थोड़ी देर में आप चलाते रहिए ताकि नीचे से जले नहीं सब्जी। चलाने के बाद इसको आप अच्छे से निकालिए किसी बाउल में और इसको सर्व कीजिए। ये देखिए लौकी मेरी तैयार हो चुकी है।